90,000 लुटा के बैठे हैं। अब नीला क्या है, ठंडन रूपा। लाख रुपये लुटवाने के बाद चेहरा ऐसा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह सुबह एक प्लान बना है अपने दोस्त को बाइक दिलवाने का। आज उनका फ़ोन आया था हमारे पास, तो चलते हैं एक बाइक परचेज कर ले। इसके लिए आज हम तैयार हैं, चलते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक उन्हें पसंद आती है, कौन सा लेंगे, क्या प्राइस है इसके बारे में। वैसे उनका पहले से ये तो ब्रांड तो फिक्स है, तो वो हीरो की ही बाइक लेंगे, बट कौन सा लेंगे ये देखा जाए। चलते हैं। आज वैसे भी देख सकते हो बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देख लीजिए, हर कोई, हर घर में आज झंडा लगा हुआ है, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा का माहौल बना हुआ है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो देखिए, इसी को लेना है नया गाड़ी। और बाकी लोग वहाँ वो ऊपर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं हीरो के शोरूम। आप देख सकते हैं ये नया शोरूम यहाँ पे खुला है, और अब देखते हैं, अंदर चलते हैं। ये शोरूम के अंदर हम आ चुके हैं, काफ़ी मॉर्निंग का टाइम है और 15 अगस्त का चल रहा है, तो काफ़ी लोग अब आए हुए हैं। अभी काफ़ी ये नया है, और इसका मेन जो मेन ब्रांच है वो जगत फार्म में है, जिसके वजह से यहाँ पे गाड़ियों की संख्या भी कम है। और ये हमारे भाई साहब, इनका मन थोड़ा सा डोला था स्कूटी की ओर, पर फिर घूमते फिरते इनकी नज़र पड़ी उस स्प्लेंडर पे, क्योंकि इनको तो लेना स्प्लेंडर ही था। तो फाइनली इन्होंने डन किया, तो चलो कोई नहीं, स्प्लेंडर ले लें। ये डीलक्स जो मेरे पास है, और हम इसके लिए ऊपर गए। ऊपर में कुछ पैक थी, जो मतलब पूरी सील पैक जिसे कह सकते हैं, इनको रैप खोलने की इच्छा थी, तो एकदम पैक मुझे मिले, जिसके वजह से हम ऊपर गए। और ये दो तीन गाड़ियां थी जो पैक थी, जिसमें से एक इन्होंने ये फाइनल किया और निकल पड़े हैं। अभी इसका सब लगेगा, जो भी एसोसरीज है उसके बाद ये हमें हैंडओवर होगी। देख सकते हैं नई स्प्लेंडर सिस्टम आती है, स्प्लेंडर रेडी है। स्प्लेंडर ही एक ऐसी गाड़ी है जो कितना भी टाइम हो गया, बट हर एज वालों के लिए बेहतर है, चाहे छोट कम एज के हों, सीनियर हों, सभी के लिए ये सूटेबल है। और काफ़ी फेमस भी है, इसका लुक काफ़ी बहुत लोगों को पसंद है। हीरो हर बार कुछ ना कुछ ग्राफिक्स में चेंज करता है, बट इसके और अदर कोई भी पार्ट्स में या मॉडिफिकेशन वो करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लोगों को यही पसंद है। आप ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मॉडल पसंद है या नया। ये हमारा एनालॉग मीटर ही है, डिजिटल मीटर यहाँ पे शोरूम में नहीं था, और इसके वजह से ही हमने डिजिटल की जगह पे एनालॉग मीटर ही लिया। खैर, उससे तो कोई ख़ास फर्क पड़ता नहीं है, पर जैसे पर्सनली मुझे पूछा जाए तो मुझे ये एनालॉग वाला मीटर ज़्यादा पसंद है। हाँ, स्प्लेंडर की मुझे एक कमी लगती है, इसकी बैक जो इंडिकेटर है वो
येलो के जगह पे अब इनको वाइट कलर की देनी चाहिए थी, बट खैर कोई नहीं, जो भी है बेहतर है। ये भाई साहब फोटो शूट करवाते हुए थका हारा दूसरे जगह जा रहे हैं पेमेंट करने। नहीं, पेमेंट कहीं इशू चल रहा है, आज तो कोई चीज़ ढंग से तो करवाए ना, ऑर्डर आने के बाद में जी कहाँ से ढंग से हो जाएगा। इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं, इसमें गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहने के लिए तो वहाँ पे हम झेलते थे। डेढ़ घंटा बर्बाद हो गया, दस मिनट कम से कम। ये तो समझोगे ना, तो सोनीपत में हमको भी इसी घर में दौड़ना पड़ता था, यहाँ पर उनको घर नहीं मिल रहा है। यहाँ कार्ड के लिए बंदा परेशान होते हुए, क्योंकि इनका कार्ड मशीन काम ही नहीं कर रहा था। गाड़ी वाला होने वाला है, अपना कमाई से पूरा तो नहीं ले रहे हो ना, अभी तक जितना भी लिया तो किसी ना किसी का अपने हाथ है। ये यहाँ आरसी के लिए पेपर देते हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड हमारा लगा वहाँ पे। टोटल बिल ऑन रोड प्राइस हमें 88,700 रुपये लगे, जिसमें कुछ डिस्काउंट भी दिया गया, और टोटल डिस्काउंट काट के 87,730 रुपये हमारे लगे, जिसमें हमने दो हिस्से में पेमेंट किया और फाइनली पेमेंट हो गया। काफ़ी टाइम लगा, 3-4 मशीनें लग गई इनकी, तब जाके एक मशीन से बिल फाइनल हुआ और हमने फाइनली टोटल पेमेंट कर दिया। नब्बे हज़ार लुटा के बैठे हैं, अब नीला का है भी ठंड ठंड रूपा। यहाँ पे हीरो वालों ने हमें बताया तो आपको बाइक के साथ हेलमेट लेना ही होगा, जिसके वजह से ये हेलमेट हीरो के तरफ से हमें दिया गया। 600 रुपीज़ का ये हेलमेट है। भाई साहब चेक करते हुए कंफर्टेबल है या नहीं है, पहले तो इन्होंने मना किया बट लास्ट में फाइनल डन कर दिया। सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, अब बस बाइक का वेट कर रहे हैं हम लोग। ये फाइनेंस के कुछ बंदे हैं जो आपको लोन लाख रुपये लुटवाने के बाद चेहरा ऐसा हो जाता है, देख लो भाई लोग। थोड़ा मुस्कुरा लो, गाड़ी वाले हो गए हो अब। हम आ गए हैं घर पे शॉपिंग करके। शॉपिंग किया क्या? एक स्प्लेंडर i3s टेक्नोलॉजी। हमारी छुटकी सोई हुई थी, ये भी फटाक से उठ गई। टाइटे कर दो, टाइटे कर दो, टाइटे। हेलो हेलो, अभी सो के उठी है तो काफ़ी रो रही है। ओहो, माँ बेटी का प्रेम। ओहो, नेक्स्ट देखते हैं, फिर कुछ ऐसा प्लान होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। टिल देन, बाय बाय गाइज़।